नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऊंचाइयों को छुआ है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है। देश में लागू की गई नई स्कीम से देश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। देश में निवेशकों का और अन्य लोगों का विश्वास बढ़ा है। ये नरेंद्र मोदी की रणनीतियों की ही खासियत है कि हर कोई अब भारत आना चाहता है। अब भारत अपने आप में ही इतना सक्षम हो चला है कि अब लोगों को भारतीय बाजार में घुसने के लिए भारत आना पड़ता है। अब जैसे भारत ने फैसला किया है कि वो भारतीय नौसेना को 111 नए बहुउद्देश्य हेलीकॉप्टर सौंपेगा, वो भी किसी और देश से बनवा कर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया योजना के तहत अपने देश में ही बनाकर। जानकारी के मुताबिक 111 हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए मोदी सरकार की देश की 4 कंपनियों के साथ डील हुई है। टाटा एडवांस सिस्टम, अदानी डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम और भारतीय फोर्ट। माना जा रहा है कि 4 भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर नौसेना के लिए हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेंगी। इन कंपनियों के साथ पूरे 25,000 करोड़ की डील हुई है। पहले सौदे में 8 कंपनियों का नाम था, जिसमें से इन 4 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है। और जो 111 हेलीकॉप्टर बनाए जाने हैं, इनमें से 95 हेलीकॉप्टर तो भारत में ही बनेंगे, जबकि बाकी के 16 हेलीकॉप्टर विदेश से बनकर भारत भेजे जाएंगे। दरअसल पता चला है कि ये सभी हेलीकॉप्टर भारत में रणनीतिक साझेदारी यानी कि SP मॉडल के तहत बनाए जाएंगे। फिर ये नौसेना के बेड़े में शामिल सोवियत संघ निर्मित पुराने हेलीकॉप्टरों की जगह ले लेंगे। 111 नए हेलीकॉप्टर बनाने का निर्णय तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में मंजूर किया गया था। इनका इस्तेमाल खोज और बचाव अभियानों, समुद्री अभियानों, साजो सामान को लाने ले जाने और टारपीडो गिराने में किया जाएगा। बता दें कि भारत की ये कोशिशें चीन के साथ बनी खाई को पाटने के लिए की जा रही है, क्योंकि दोनों को ही दुनिया की सुपर पावर कहा जा सकता है। भारत अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाहता है कि भारत खुद में ही इतना परिपक्व हो जाए कि उसे कभी भी दुश्मन देश के आगे झुकना ना पड़े। ये बहुउद्देश्य हेलीकॉप्टर भी नौसेना में पुराने चेतक हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे। इनको बनाने वाली विदेशी मूल की कंपनियों को हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए डिजाइन, एकीकरण और विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित ढांचागत सुविधा मुहैया करानी होगी, तभी कंपनियां इन्हें बना पाएंगी। और इसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका होगा। अब इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का, जब ये 111 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे और भारत हमेशा की तरह छाती ठोक कर फिर आगे बढ़ जाएगा। अब आपको मेक इन इंडिया के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ समझा देते हैं, जिसके बलबूते पर भारत अपने देश में हेलीकॉप्टर बनाना चाहता है। 25 सितंबर 2014 से लागू इस नए स्कीम में 25 क्षेत्र शामिल हैं। और इसके लाभ की बात करें तो इससे नौकरी के अवसर बढ़ने, ब्रांड वैल्यू को बढ़ावा मिलने, सकल घरेलू उत्पाद का विस्तार होने, रुपए को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी का अपग्रेडेशन करने, पूंजी का प्रभाव करने, व्यापार में आसानी होने के अलावा युवा दिमागी की उपलब्धता शामिल है। ये फायदे हैं जो पीएम मोदी की स्कीम मेक इन इंडिया के तहत देश को पहुंच सकते हैं। और अब इसी के तहत देश में होगा 111 हेलीकॉप्टरों का निर्माण और भारत की ताकत को देखेगा दुश्मन।